Vande Krishna Foundation presents. अनंत काल से मृत्यु लोक में माया ने अपना जाल फैलाया हुआ है। कौन बच पाएगा माया के जाल से? मृत्यु लोक ज्यादातर भ्रष्ट भोगियों से भरा हुआ है। भोगी चाहता क्या है? आनंद, मगर वह आनंद बाहर खोजता है। पैसे, पावर और पार्टीज के खेल में वह परमात्मा के नित्य आनंद के खजाने को गवा देता है। मगर हमारे ऋषि या योगी स्मार्ट होते हैं। योगी ये सीक्रेट समझ जाते हैं कि जितना उनका मन पवित्र होगा उतना ही उनका मन आनंद में रहेगा। योगी जानता है कि पवित्रता ही उसका असली धन है। भोगी पैसे और पावर के पीछे भागता है, योगी पवित्रता के पीछे। आप ही बताइए, लॉन्ग रन में किसकी जीत होगी? योगी की भोगी, योगी की भोगी, योगी की भोगी। जग में मिला रे सब चला चली का खेला रे, दो दिन का जग में मिला रे सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला रे। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, संग चले ना एक भी ढेला रे। कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, संचले ना एक भी ढेला रे। सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला रे। तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तू है
सुंदर फूल इस संसार की हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू भैया आपके लिए एक अनमोल तोहफा थैंक यू आपके जन्मदिन पर हमने एक गरीब ट्राइबल बच्चे की शिक्षा का खर्च एक वर्ष के लिए उठाया है बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और उसका आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहेगा थैंक्स अ मिलियन व्हाट अ ग्रेट आइडिया जन्मदिन दान और दीप दिवस ही होना चाहिए गरीबों को दान देना चाहिए और सत्संग द्वारा आत्मज्ञान का दीप जलाना चाहिए चलो लेट्स हैव सम स्नैक्स थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू भाभी हैप्पी बर्थडे चाचू दिस इज फॉर यू थैंक यू अरे भाभी कहाँ गए हमारे भाई साहब बिजनेस के अलावा कुछ वक्त बाकी चीजों के लिए भी निकाले अरे क्या करूं 10 बार फोन लगा चुकी हूं आपके भाई को चाचू विल यू हेल्प मी टू वर्क ऑन माय पीएसपी पीएसपी पापा सुधार प्रोजेक्ट पापा सुधार प्रोजेक्ट चलो भाभी कुछ खाते हैं आइए सिद्धार्थ जी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद क्या गाते हैं आप बिल्कुल सचिन वर्मा की तरह मतलब सचिन देव बर्मन की तरह देखिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ दरअसल यहाँ सभी आपके बहुत बड़े फैन हैं देखिए मेरी आपसे गुजारिश है दुबई में हम लोगों का एक कल्चरल ग्रुप है और हम अपने चीफ पैटर्न के बर्थडे के मौके पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अगर आप उस मौके पे अपना गजल संगीत गाएंगे कुछ सूफी सॉन्ग्स गाएंगे तो मजा आ जाएगा अब देखिए रिफ्यूज मत करिएगा डोंट वरी अबाउट मनी यू विल बी ट्रीटेड लाइक ए किंग इफ भाई इज देयर डोंट केयर भाई हमारे चीफ पैटर्न ओह आई एम गेटिंग द पिक्चर बट प्लीज एक्सक्यूज मी देखिए अब आप मना मत कीजिएगा भाई के लिए आप मना नहीं कर सकते आप कीमत बताइए 20 लाख तीस लाख 50 लाख पचास लाख डन ओके फाइनल प्लीज डोंट रिफ्यूज इट फॉर गॉड्स सेक आई एम रिफ्यूजिंग फॉर गॉड्स सेक मैं भगवान के लिए गाता हूँ भाई की दौलत के लिए नहीं थैंक यू बट आप प्लीज कुछ खा के जाइएगा हैप्पी बर्थडे सिड थैंक यू भैया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट्स फॉर यू मुझे पता है आजकल आप बहुत बिजी हो पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हाँ सिड काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए Finally, Thanks. Yeah, I was a bit busy with some work. भैया के पास भोजन के लिए तो समय रहता है, लेकिन भजन के लिए कभी नहीं होता। तो भैया आप जो नई बुक लिख रहे हैं, उसका विषय क्या है? Finding spiritual solutions to any problem. Unfortunately, spiritualism doesn't work in business. चलेगा भैया, आप कोशिश करके तो देखें। Sid, you stick to your business of art of spiritualism or whatever, and I'll stick to mine, art of making money. Oh, stop fighting you two. अच्छा छोड़िए, आपको बस 3 factories लगा लीजिए। पहली ice factory ताकि आपका दिमाग हमेशा ठंडा रहे। दूसरी sugar factory जिससे आप हमेशा मीठा बोले। तीसरी compassion factory ताकि आपका दिल हमेशा गरीबों के लिए धड़के। अगर ये 3 factories लगा लेते हैं तो आई अश्योर यू यू विल बी सैटिस्फैक्टरी इरेज ईगो डू यू हैव एन इरेजर टू इरेज ईगो बाय चलो सी यू गाइस बाय थैंक्स फॉर कमिंग ओके आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू केपीके केपीके खाओ पियो किसको
Shekhar, can you come in for a minute, please? Thanks. I have something very important to discuss with you today. जैसा कि तुम जानते हो कि आज हमारा नाम हिंदुस्तान की टॉप 10 टेलीकॉम कंपनीज में आता है, मैं चाहता हूं कि हम नंबर वन स्पॉट पर जल्द से जल्द पहुंचे। इसके लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। आई हैव अ प्लान, पर ये प्लान सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए। ऑलराइट, गुड। आज हिंदुस्तान की टॉप टेलीकॉम कंपनी सूर्य टेलीकॉम है, राइट? उनके लास्ट क्वार्टर का क्या प्रोजेक्शन था? टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़, 2,500 करोड़ प्रॉफिट के साथ। ओके, और नेक्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन क्या है? यही कोई 30,000 करोड़ और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स ऑफ 3,000 करोड़। ऑलराइट, आज हमें सिर्फ 3 कदम उठाने हैं। नंबर वन, वी विल फज द बैलेंस शीट्स। We will post a revenue of 40,000 crores with a profit of 4,000 crores. But sir, auditors objection uthayenge. Mathur & Sons ek reputed aur purani company hai. Woh aapki is baat se sehmat nahi honge. Mathur agar nahi manega, par & Sons, they are the key. Mathur ke dono bete zarur maan jayenge. और वैसे भी समय आ गया है कि इन बूढ़े खूसटों के फड़ी डडी आइडल से निजात पाने का। माधव जूनियर्स की फीस 10% बढ़ा दो, आई एम प्रीटी श्योर हमारा काम हो जाएगा। यस सर। सेकंड स्टेप, हम अपने एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ डबल करेंगे। अगर इस वीक 20,000 एम्प्लॉयज है तो नेक्स्ट वीक तक ये नंबर बढ़कर 40,000 हो जाएगा। पर सब नकली एम्प्लॉयज, सिर्फ कागज पर घोष। इन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की सैलरीज के पैसों को हम रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। रियल एस्टेट में आजकल बहुत फायदा है, जमीन के दाम दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस रियल एस्टेट बिजनेस का नाम होगा माया ग्रुप। लेकिन इसके लिए आपको एचआरडी हेड राव की हेल्प लेंगे, और वो एक बहुत अपराइट आदमी है। राव, अपराइट को टाइट करना हमें आता है। आपकी सर बहुत दूर दृष्टि है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपके आगे पीछे होते हैं, आपको क्या डर? वेल, लेट्स गेट ऑन विद इट देन। माया ग्रुप के बाइंग स्प्री ने हलचल मचा दी। हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, मेरे कुछ फॉरेन से डेलीगेट्स आए हुए हैं। So we are in a mad rush. पर तुम बताओ कैसे आना हुआ? भैया, मैं कंपनीज में राज ऋषि क्यों और कैसे बने इस सब्जेक्ट पे वर्कशॉप्स ले रहा हूँ। क्या मैं ये वर्कशॉप आपके और आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ ले सकता हूँ? सिद्धार्थ, मेरे और मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के पास टाइम की थोड़ी कमी है, हम सब एक मेजर एक्सपेंशन ड्राइव में लगे हैं। पर तुम्हें कैसे नाराज करूँ, व्हाई डिडंट यू स्टार्ट विद सम ऑफ आवर जूनियर एग्जीक्यूटिव्स? श्योर। ओके, गुड। Okay, Siddharth, there's a reporter waiting for me outside, so I really have to go. Okay. So please excuse me. Sure. But it was nice catching up with you, Siddharth. Yes, bhaiya. Okay, you take care. आज हम सत्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन श्री राज सिंघानिया जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, जिन्हें अभी अभी CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। राज सिंघानिया इंडियन बिजनेस के राइजिंग स्टार माने जाते हैं। पिछले 10 सालों में इनकी कंपनी सत्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिकल फिटिंग बनाने वाली छोटी पारिवारिक उद्योग से एक जायंट कंपनी बन गई है।
How does it feel to get this award? All I can say is it feels great to get recognition for your work. Please, हमारे दर्शकों को अपने success formula का secret बताइए. Wow, success formula, that's a hard one. मैंने अपने group का नाम सत्या group इसलिए रखा क्योंकि इन्हीं आदर्शों पे मैं अपनी company चलाता हूँ. Honesty and integrity are the pillars of our business. From our factory worker to the board of directors, we all abide and take pride in these principles. आज मैं जो कुछ भी हूँ, I'm proud to say, मैं इन्हीं आदर्शों की वजह से हूँ. Thank you for sharing your secret with us. Now back to business news. आपका बीपी इतना लो क्यों है? आपका वेट भी कुछ कम लग रहा है. एक्चुअली आजकल मुझे बहुत थकावट भी होने लगी है. आपका तीसरा महीना चल रहा है, थकावट होना तो नॉर्मल है, मगर वेट क्यों कम हो ही जा रहा है? दैट्स वरिंग. एनीवे कोई ब्लड टेस्ट लिख देती हूँ एंड देन यू कैन गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड. ओके. ओ बाय द वे, आपके पति को कल न्यूज़ चैनल पे देखा, सीईओ ऑफ द ईयर. कंग्रेचुलेशंस, यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हिम. या एक्चुअली वो इतने बिजी रहते हैं, घर पे टाइम ही नहीं मिलता. टेक केयर. थैंक यू. हाय, माय नेम इज सिड, शॉर्ट फॉर सिद्धार्थ. हाय. हाय. हम लोग आज क्यों मिल रहे हैं? राजऋषि कैसे बने, इसी सब्जेक्ट पे वर्कशॉप है. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. What do you mean by राजऋषि? राजा प्लस ऋषि इक्वल्स टू राजऋषि. राजा की तरह पैसे कमाओ पर ऋषि की तरह सिंपल और सेल्फलेस जीवन जियो. एस्पायर टू बिकम अ पर्सन विद आउटर एंड इनर वेल्थ. राजा तो सब बनना चाहते हैं मगर राजऋषि बनने में ही आपका सच्चा स्वार्थ है. राजा बनो पर ऋषि की तरह जियो. क्यों? लेट्स डिस्कस. आज हमारे देश के सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? करप्शन, एड्स, ग्रोइंग क्राइम. क्राइम और करप्शन बढ़ता ही जा रहा है. न्यूज़पेपर खोलो तो हर रोज एक नया स्कैम, एक नया स्कैंडल. कारण क्या है? मेन रीजन है अज्ञान. अज्ञान के कारण गुमराह हो जाना. गोल ऑफ लाइफ सिंपली सीम्स टू बी पैसा, पावर और सेक्स. मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अगर सब लोगों को बुद्धा की तरह भान हो जाए कि हम जिस मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं वहां हमें तीन प्रकार के दुख किसी भी क्षण नष्ट कर सकते हैं. पहला, अधिदैविक नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स. दूसरा, अधिभौतिक मैनमेड डिजास्टर्स जैसे वॉर, टेररिज्म एंड मर्डर. तीसरा, अध्यात्मिका रोग जैसे कैंसर, एड्स, टीबी आदि. मृत्यु लोक में सब कुछ अनित्य है. इट इज अ टेम्परेरी प्लेस फुल ऑफ सफरिंग. इट इज नॉट आ रियल होम. ये सिंपल सी बात अगर सबके समझ में आ जाए कि मृत्यु लोक हमारा असली घर नहीं है तो सभी जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए साधना और निस्वार्थ सेवा का जीवन जीने लगेंगे. मगर अज्ञानवश लोग इतना स्वार्थी और लोभी बन गए हैं. पीपल हैव बिकम सो सेल्फिश एंड सो ग्रीडी. पर हमारे शास्त्र हमें ब्रह्मलोक का सपना दिखाते हैं. ब्रह्मलोक? व्हाट इज ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक में रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है, अखंड और अनंत आनंद का लोक है. ब्रह्मलोक ही तो हमारा सच्चा और असली घर है. How interesting. मगर मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक कैसे जाए? ब्रह्मलोक का बासी बनाने से पहले भगवान हमारी मृत्यु लोक में परीक्षा लेते हैं. कैसी परीक्षा? जैसे इंडिया से अमेरिका जाने के लिए हमें बहुत पैसे चाहिए वैसे ही मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक जाने के लिए हमारे बैंक अकाउंट में बहुत पुण्य होना चाहिए, नहीं तो भगवान प्रमोशन नहीं देंगे. अगर ये बात सबको समझ में आ जाए कि जो जितने सिंपल और सेल्फलेस जीवन जिएगा उसके ब्रह्मलोक जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं तो सभी महात्मा गांधी की तरह जीवन जीने लगेंगे. मगर सब तो नंबर वन बनना चाहते हैं,
और नंबर वन पोजीशन पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे ब्राइब देना हो या किसी को नीचा दिखाना। चलो साइंस के द्वारा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हर जीव का शरीर सेल से बना हुआ है। और सेल किससे बनता है? कम ऑन, रिकॉल योर बायोलॉजी लेसन्स। प्रोटोप्लाज्म से। यस, यू आर राइट। हर सेल प्रोटोप्लाज्म से बनता है। पेड़, जानवर, मनुष्य, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया सभी तो प्रोटोप्लाज्म से बने हैं। इसका मतलब हम सब एक ही तत्व से बने हैं। यही सत्य तो हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि आत्मा तो सब में एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, स्वस्थ या अपंग, काला या गोरा, लड़का या लड़की। That is amazing. There is a unique unity behind the baffling diversity. अगर एक ही आत्मा सब में है तो इसका मतलब अगर हम किसी से चीट करते हैं तो असल में हम अपने आप को चीट करते हैं। That's right. And vice versa. अगर हम किसी और का भला करते हैं तो हम खुद का ही भला कर रहे हैं। जस्ट थिंक, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में हमारा असली फायदा है या कि कोऑपरेशन में? कोऑपरेशन में। यू गॉट इट। ये लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी, पुनर्जन्म की थ्योरी और आत्मा का ज्ञान सबको समझ में आ जाए तो मृत्यु लोक स्वर्ग लोक बन जाए, क्राइम और करप्शन मिट ही जाए। आर यू गाइस टायर्ड? Shall we take a break? Let's break for a fashion show. Fashion for the soul show. Fashion show? Fashion show for a soul? Yeah, fashion show for the soul. Not soul, but soul. Are you mad? I'm not mad. I'm making a difference. Hep? You look really hep. मैं hep हूँ, मगर highly empowered person भी हूँ. SMS? बहुत मैसेजेस भेजते हो? नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सीखने की कोशिश करती हूँ। बी पॉजिटिव। वेरी वेल डन गाइस। हु आर यू? हु एम आई? गुड क्वेश्चन। I'm a divine soul, full of peace, bliss, and cosmic love. चलिए हम सब मिलके तीन विजुअलाइजेशंस करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के एक इंच अंदर जो हार्ट मास का पिंजरा है उस पर ध्यान ले जाएं। अपने स्केलेटन की जांच कीजिए। क्या आप ये नश्वर स्केलेटन ही हैं जो रोग और मृत्यु का घर है? नहीं ना। मगर पूरी जिंदगी इस स्केलेटन को अपना अस्तित्व मानकर इसकी सेवा करते रहते हैं। फैंसी कपड़े, फैंसी ज्वेलरी, फैंसी घर, फैंसी फूड, फाइनली फैंसी अस्पताल, फैंसी रोग और फैंसी फ्यूनरल्स। मृत्यु लोक इज ओनली अ फूल्स पैराडाइज। इस स्केलेटन विजुअलाइजेशन को करने से वैराग्य आएगा और जो आपका असली खजाना है, आत्मा का नित्य आनंद, उसको आप खोजने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, नाउ ओपन योर आइज।
How do you feel? It was thought-provoking. हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे अंदर बैठे पांच शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की सफाई करने का तरीका हमें बताया है। वो क्या है सर? पहला प्रार्थना, दूसरा स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स स्वाध्याय, तीसरा जप, चौथा ध्यान, पांचवा दान, छठा निस्वार्थ सेवा। लेसन नंबर वन, राजा बनो पर ऋषि की तरह पवित्रता और सादगी से जियो। पवित्रता ही आपका सच्चा धन है। अब फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पर ध्यान ले जाएं। हमारे शरीर के अंदर लाखों ब्लड वेसल्स खून ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, हार्ट पंप कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचा रहा है। कौन करवा रहा है इतने सारे कार्य? अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो आपकी नेक्स्ट मीटिंग कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, क्या आप अटेंड कर पाएंगे? नहीं ना। आंखें खोलिए। अगर इस बात को आदमी जान जाए कि मृत्यु लोक तो भगवान द्वारा रचा गया एक ग्रैंड ड्रामा ही है और हम केवल एक्टर्स हैं, तो सबका ईगो नष्ट हो जाए। मगर आजकल हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा पैसा या पावर क्या मिल जाती है तो सर आसमान पर चढ़ जाता है। मेरा पैसा, मेरा पावर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा घर। एग्जैक्टली, ये आई डिजीज ज्यादातर सबको है मृत्यु लोक में। आई डिजीज को हम आत्मज्ञान की दवा से नष्ट कर सकते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम की साधना से जानिए कि आप केवल एक भगवान के यंत्र हैं। वी ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। लेसन नंबर टू, राजा बनो पर ऋषि की तरह नम्रता से जियो। कल्टिवेट ह्यूमिलिटी। आंखें फिर बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक गरीब और अपंग व्यक्ति हैं। आंखें खोलिए। हाउ डिड इट फील? वेरी पेनफुल सर। अच्छा नहीं लगा ना दृश्य, मगर सच्चाई तो यही है कि भारत में आज भी 30% से ज्यादा लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं और 1% जिनके पास पैसा और पावर है ज्यादातर अपने ही भोग विलास में लिप्त हैं। पहले क्यों हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती थी? क्योंकि राजा ऋषि की तरह जीवन जीते थे। अपना पैसा भोग विलास में ना लगाकर गरीबों के उद्धार में लगाते थे। आज के जमाने में आपको क्या लगता है राज ऋषि कौन हो सकता है? Who do you think it could be? बिल गेट्स। बिल गेट्स अच्छा चॉइस है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मगर तन मन धन से गरीबों की सेवा में लगा हुआ है। इस लोक में भी उसकी वाह वाह हो रही है और परलोक में भी जरूर होगी। भारत ने भी कई राज ऋषियों को जन्म दिया है, पीपल लाइक बी के बिरला, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी एंड नारायण मूर्ति, ऑल लिविंग लेजेंड्स। लेसन नंबर थ्री, राजा बनो पर ऋषि की तरह निस्वार्थ रहो। निस्वार्थ बनने में ही आपका सच्चा स्वार्थ है, आपका फिर ब्रह्मलोक में प्रमोशन तो निश्चित है। अगर आप ब्रह्मलोक में विश्वास नहीं रखते तो मत रखिए, मगर राज ऋषि की तरह जीवन जियोगे तो मृत्यु लोक स्वर्ग लोक जरूर बन जाएगा। सो मेक योर चॉइस, योगी बनो या भोगी या फिर रोगी, चॉइस इज योर्स। भाग रहा है भोगी, भाग रहा है, भाग रहा है भोगी, रैट रेस में फंसा हुआ है भोगी। इस
always on the run. He's always on the run. Bhag bhag ke bhog bhog ke ban ja wo ek rogi. Yo bhogi hai rogi. Yogi bano ya bhogi ya phir ek rogi. Yogi bano ya bhogi ya phir ek rogi. Choice is yours. Choice is yours. Choice is yours, choice is yours. ये foolish मन क्यों अटक रहा, greed और lust में अटक रहा, अटक अटक कर भटक भटक कर भूल गया सब, self control, don't sell your soul. Don't sell your soul. Yo, bhogi hai rogi. Yogi bano ya bhogi. Ya phir ek rogi. Yogi bano ya bhogi. Ya phir ek rogi. Choice is yours. Choice is yours. Choice is yours. Choice is yours. राहों पर चल घर चाहे बन जाओ भोगी, आलस और लालच में पढ़कर चाहे बन जाओ रोगी, वेक अप भोगी, शेप अप रोगी, सेवा सुमरन करके चाहे बन जाओ योगी, यो भोगी है रोगी, योगी बनो या भोगी, या फिर रोगी, योगी बनो या भोगी. Choice is yours, 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 choice is yours. लैब से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई. लड़का या लड़की वो क्यों बताएंगे, गैर कानूनी है. माया डोंट बी फनी, मैं उन्हें खरीद चुका हूं, उन्होंने तुम्हें जरूर बता दिया होगा. हम एक और बेटी पैदा नहीं कर सकते, मुझे एक बेटा जरूर चाहिए. तुम्हें एक बेटा सिर्फ अपने बिजनेस चलाने के लिए चाहिए ना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि एक बेटी भी इतनी समझदार और केपेबल है जितना एक बेटा. Why don't you understand? I mean, don't you love Mohini? Listen, you're now really spoiling my mood. फिर मैं नहीं बता रही. Obviously, you're pregnant with another girl child. I'm pregnant with another child, Raj. Our child. Wow, what a beautiful lotus, Bhabhi. Thanks, Bhaiya. संसार तो कीचड़ की तरह है,
उसमें हमें कमल के फूल की तरह रहना सीखना चाहिए। खैर, सो व्हाट्स अप भाभी, व्हाट डिड यू वांट टू टेल मी? क्या हुआ भाभी, कुछ परेशान से लग रहे हो। भैया मैं आपको क्या बताऊं, राज ने मुझ पे दबाव डालकर एक इलीगल अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया है, जिसमें हमें पता चला कि मेरे पेट में एक लड़की है। अब वो उसे गिराना चाहता है। पुत्र प्राप्ति के नशे में वो भूल गया कि वो एक पाप है। मैं कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं भैया, राज को कैसे समझाऊं? Where is Raj? I'll talk to him right now. He's in Hong Kong, signing a joint venture with Far East Telecom. भाभी भैया को समझाओ कि एक ही आत्मा सब में है। अगर हम अज्ञानवश किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन इस जन्म में या फिर अगले जन्म में हमें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्यों कोई अमीर और स्वस्थ पैदा होता है, क्यों कोई गरीब और अपंग, ये सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। अगर लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी सबको समझ में आ जाए तो क्राइम और करप्शन मिट ही जाए। मगर मैं बहुत सी औरतों को जानती हूँ जो रोज पूजा पाठ करती हैं, अमीर हैं, शिक्षित हैं, नॉनवेज छूती तक नहीं है, मगर उन्होंने भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप किया है। प्रॉब्लम तो यही है कि लोग रिलीजियस तो हो जाते हैं मगर स्पिरिचुअल नहीं बन पाते। सच्ची स्पिरिचुअलिटी का अर्थ तो वननेस यानी एकता में जीना है, किसी का बुरा ना करना, ना चाहना। आत्मज्ञान की अग्नि से ही हम अपनी स्वार्थ दृष्टि जला सकते हैं। कैसे कोई माँ बाप स्वार्थ और लोभ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने ही होने वाली लड़की का मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। घोर कलयुग चल रहा है भाभी, घोर कलयुग। चला चली का खेला रे, दो दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला रे। नमस्ते, मैं किरण बेदी हूँ और एक बहुत सीरियस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। सो हमारे बीच में एक युवक सिद्धार्थ हैं जो कि राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं। लिखते क्या हैं? लिखते स्पिरिचुअलिटी पे लिखता हूँ। क्या लिखा उसमें? स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस टू एवरी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑन दिस प्लैनेट। वाह, हमारे साथ सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं है जो बहुत अच्छे गायक भी हैं और खुद इंजीनियर भी हैं लेकिन बहुत अच्छा गाते भी हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस के भी हैं जो हमारा भविष्य है, तो वे भी आज इस चीज़ की सेंसिटिविटी के लिए आए हैं। आप कुछ सीरियस टॉपिक कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे से? आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू दैट इज सैड एंड शॉकिंग, समथिंग दैट आई अपील टू ऑल यंग पीपल, डू समथिंग अबाउट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, जो अमीर और गरीब दोनों के घरों में हो रहा है। जिसका मतलब हम एक, जैसे हमको पता चले नारी को या पुरुष को, माँ को या पिता को या उनके रिश्तेदार को, कि जो गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट औरत है, वह शायद एक लड़की पैदा करने वाली है, उसके गर्भ में पुत्र नहीं है, पुत्री है, और उसको जन्म से पहले ही वो चाहते हैं वो ख़त्म कर दी जाए,
उसको मरवा दिया जाए। मैं उस सीरियस मुद्दे पर आपसे बात करने आई हूँ। कुदरत, नेचर और रिसर्च कहती है धरती पर लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। मान लीजिए 1,000 लड़के हैं तो लड़कियाँ 1,100 तकरीबन होती हैं, और ऐसे हर देश में, हर डेवलप्ड कंट्री में तकरीबन यही संतुलन चल रहा है। लेकिन हमारे देश में बहुत सीरियस बात हो चुकी है। अगर 1,000 लड़के हैं तो कहीं 900 हैं, कहीं 800 लड़कियां हैं, और यहां तक कि कई स्टेट्स में 700 प्लस पर भी गिर गई हैं। इतना बुरा हाल हो गया इस संतुलन का, तो क्या होगा इसका अंजाम? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका सोशल अंजाम क्या होगा? हमारे लड़कों को लड़कियां नहीं मिलने वाली, इससे क्राइम बढ़ेगा, इससे वायलेंस बढ़ेगी, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर बहुत सीरियस नुकसान होने वाला है। सो सिद्धार्थ, आप हमारे लिए यही विषय लेके आए थे। भारत माँ ने कितनी ग्रेट वुमेन लीडर्स को जन्म दिया है, जैसे इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल एंड लिविंग एग्जाम्पल किरण बेदी जी। क्या होता अगर माँ बाप ने इन्हें घर में ही मार दिया होता? आज क्यों कन्या को बोझ समझा जाता है? पहले तो उनकी ताम झाम से शादी करो, फिर दहेज पर खर्च ही खर्च। और ये भी एक शाप है हमारे देश में। पहले हम लड़की को पसंद नहीं करते, और उसके बाद जब उसकी शादी करने लगते हैं तो फिर अपना घर बार भी बेच देते हैं उसके लिए। तो गलती किसकी है? क्यों नहीं वही धन उसकी शिक्षा में लगाते, उसको पांव पे खड़े होने की शक्ति और ताकत नहीं देते? क्या हम अपने बच्चों से और समाज से, दिल से, मन से एक दृढ़ निश्चय लें, कोई प्लेज लें हमारे साथ कि वो एक कसम खाएं कि जब बड़े होंगे वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो हमारे समाज का संतुलन बिगाड़ दे? सो सिद्धार्थ, आप भी प्लेज लेंगे मेरे साथ, अपने कॉलेजेस के बच्चों के साथ? सब लेंगे? मिलके लेंगे। ओके, आओ मेरे साथ प्लेज लें। मैं फीमेल फीटिसाइड जैसा अपराध कभी नहीं करूं। बोलो, मैं फीमेल फीटिसाइड जैसा अपराध कभी नहीं करूं। मैं दहेज ना लूं ना दूं। मैं दहेज ना लूं ना दूं। मैं बिल्कुल साधारण शादी ऑर्गेनाइज करूं। मैं बिल्कुल साधारण शादी ऑर्गेनाइज करूं। मैं एक गरीब लड़की की शिक्षा का खर्चा जरूर उठाऊं। मैं एक गरीब लड़की की शिक्षा का खर्चा जरूर उठाऊं। तो हम आशा करते हैं कि जो आज हमने प्रण लिए हैं, हाँ जी, जो कि हम फीमेल फीटिसाइड नहीं करेंगे, शादी शादी करेंगे, दहेज नहीं देंगे, और एक गरीब लड़की की किसी ना किसी की शिक्षा की मदद जरूर करेंगे, अगर ये चार बातें याद करें, मैं कहती हूँ जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, समाज में परिवर्तन आ जाएगा, देश भला हो जाएगा। आप गाना कह रहे थे ना, मैं गाना गाऊंगा। हाँ जी, सुना। बट बिफोर दैट आई वांट टू प्रेजेंट यू वन टी-शर्ट। अरे वाह, दैट्स फॉर आवर वंडर वुमन। ओह हो, थैंक यू। दैट इज यू। यस, वाओ, वंडर वुमन। सो इट इज जॉइंटली टू फाइट फीमेल फिटिसाइड। यस, राइट। यस, तो सुधा, आपने वो गाना सुनाना था। हाँ जी, सुनाओ। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में आटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में आटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान। रे कोई कारण, कोई कारण होगा। धन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न, कांटों पर भी सूकर आए किसी किसी को चैन। रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। करोड़ों से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक नोट से पूरी हो जाती है आस। रे कोई कारण होगा, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं।
Ladies and gentlemen, this is for our new company, Satya East Telecom. Cheers. May the profits keep flowing in. Ladies and gentlemen, it's a very proud occasion for me to announce that our flagship Satya Telecom has just recorded a historic 300% growth this quarter. This makes us the number one telecom company in India. And with your partnership, we're ready to take on the world. We are ready to be number one telecom company in the world. मम्मा मम्मा क्या हुआ क्या हुआ मम्मा व्हाट्स द एलसीएम 5, 3, 2, 6, 10 इज इट दिस नो आई डोंट थिंक सो दिस इज द आंसर सॉरी आई डोंट नो मैथ्स पापा इसे जरूर सॉल्व कर पाती ही इज सच अ बिग बिजनेसमैन उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है ना माँ यस बेटे आई एम श्योर ही वुड इफ ही वाज हियर बट पापा इज नेवर हियर वो तो हमेशा बाहर रहते हैं टूर पे और अगर यहाँ होते भी है तो हमेशा घर देर से आते हैं वो हमें प्यार नहीं करते माँ ऑफ कोर्स करते हैं देखना कितने अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स लाएंगे आपके लिए इस बार हांगकांग से बट आई वुड रादर हैव पापा देन द प्रेजेंट्स कोई बात नहीं अगर पापा प्रेजेंट्स ना लाए पर घर जल्दी आए है ना माँ ये सॉन्ग फिर से ट्राई करें ओके राज मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही हूँ फोन क्यों नहीं उठा रहे आज कहाँ हो तुम माया एवरीथिंग्स ओके बेबी आई एम एट अ पोस्ट इन अ मीटिंग जस्ट वर्किंग आउट सम डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट यस आई विल बी होम टुमारो ओके बेबी लव यू बाय सिद्धार्थ सिंघानिया हैं, जिनकी किताब स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम ऑन द प्लैनेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर लिस्ट पर पहुंच चुकी है वेलकम टू टॉक बैक एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस ऑफ योर बुक थैंक यू वेरी मच वाओ आई लव योर टी-शर्ट ब्लिस बिलियनेयर वाओ आजकल तो ज्यादातर भ्रष्ट बिलियनेयर नजर आते हैं बट एनीवे सिद्धार्थ Please tell our viewers, आपके opinion में growing crime और corruption से कैसे लड़ा जाए? देखिए अगर हमें crime और corruption से लड़ना है, तो सबसे पहले अपने educational system पे बदलाव करने होंगे। Secularism के नाम पर हमने शिक्षा में से अध्यात्म को हटा दिया है। पर secularism का मतलब जो सभी धर्म हैं, उनमें जो एकता है, उनको समझना है, और जो differences हैं, उनको respect करना है। सभी धर्मों की शिक्षा स्कूल और कॉलेजेस में होनी चाहिए किड्स मस्ट बी टॉट दैट वैल्यूज आर देयर रियल वेल्थ वाओ सिद्धार्थ आप अपने साथ एक फिल्म लाए हैं जिसके सहारे वो इस सिद्धांत को प्रूव करना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल फोकस ही समय की पुकार है किसी भी क्षेत्र में चाहे इंडस्ट्री हो या एजुकेशन या डेली लाइफ चलिए ये फिल्म देखते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर साइंटिस्ट्स ने दो जार पानी लिया जार ए को कुछ घंटे खूब कोसा और गालियां दी जार बी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए मंत्र प्रार्थना और अच्छे वाक्यों द्वारा फिर दोनों जार को फ्रीज किया
कुछ घंटों बाद देखा गया कि जार ए के क्रिस्टल नोकीले और बदसूरत बने और जार बी के क्रिस्टल डायमंड जैसे सुंदर बने। So interesting. This is the effect on water. गर्भ में 90% पानी ही होता है। अब सोचिए, गर्भ में फीटस पर मंत्रों, प्रार्थना और अच्छे वाक्यों का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए प्राचीन काल में आध्यात्मिक शिक्षा गर्भ संस्कारों द्वारा ही शुरू की जाती थी। जब आदमी रैट रेस में फंस जाता है तो उसमें संस्कार डालना बहुत मुश्किल है। संस्कार तो हमें बचपन में ही डालने पड़ेंगे। बिना आध्यात्मिक जागृति के क्राइम और करप्शन से लड़ना बहुत मुश्किल है। What is your parting message to young people? Live life as a revolution, not as a process of evolution. Wow, that's amazing. We have a t-shirt with this message. Wow, what's that? Live life as a revolution and not as a process of evolution. Evolution. It's a gift for you from Thank my you side. So much, Siddharth. Thank you so much. Thank you. Siddharth has given us some food for thought and let us all think about it. Please send us your comments and see you all next week again, same time, same show. Thank you. Hello? Maya? हाँ जी बोल रही हूँ। आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, क्या आप क्लिनिक आ सकती हो? I can come tomorrow afternoon. अच्छा होगा अगर आज ही आ जाओ। क्यों डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेहतर होता अगर हम क्लिनिक पर इसके बारे में बात करते। इफ यू फ्री व्हाई डोंट यू कम ओवर राइट अवे। ओके अभी आती हूँ। Maya, I'm going to ask you some personal questions. Please don't mind. पर ये ज़रूरी है कि आप मेरे सवालों का सही सही जवाब दें। याद रहे, मैं सिर्फ आपके डॉक्टर ही नहीं, आपकी फैमिली फ्रेंड भी हूँ। What is this all about? क्या आपका किसी से अफेयर चल रहा है? नहीं तो? क्या आप कोई ड्रग्स यूज़ करती हैं? Of course not. Have you had any kind of surgery in the past? No. But why? I'm sorry to say, Maya, but according to your result, aap HIV positive hain. Kya aapko aapke husband par shak hai? Shayad unka koi affair chal raha ho? Hello, beta. How's my little doll doing? I'm fine. That's good. These are all for you. Wow. Yeah, and where's mama, beta? Mama's in the bedroom. Okay, you go and check your gifts in your room and I'll see you soon. Okay, papa. Okay. Maya. Maya. What's the matter, babes? Look what I got for you. बहुत कीमती तोहफे लाए हो। तुमसे प्यार जो करता हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करते हो मुझसे?
माया, आज मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है. इट्स द गोल्डन डे ऑफ माई लाइफ. योर हस्बैंड हैज बिकम वन ऑफ द टॉप टेलीकॉम सीईओस इन द वर्ल्ड. इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. व्हाट्स रॉन्ग विद यू माया? डॉक्टर ने कुछ कहा? डॉक्टर क्या कहेगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. व्हाट्स द मैटर? यू डोंट अंडरस्टैंड. लुक एट दिस राज, लुक एट इट. देखो इसको. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. मुझे पता है तुम्हारे अफेयर्स चल रहे हैं. तुमने मुझे एज का यह अमूल्य तोहफा दिया है ना, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? कैसे चुकाऊं? भगवान मुझे शक्ति दो, प्रसाद बुद्धि दो, जीवन के उतार चढ़ाव में समता में रहने की शक्ति दो. अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में तो तेरी कृपा देखूं, और अगर बुरा हो रहा है तो उसमें भी तेरी कृपा देखूं. तू मेरे ही कुछ कर्म काट रहा है. जितना भी समय शेष है इस जीवन का, तन मन धन से गरीब अनाथ HIV पॉजिटिव बच्चों की सेवा में लग जाऊं. शक्ति देना प्रभु, शक्ति देना प्रभु. सर, शिखा. सर, बहुत प्रॉब्लम है. सारे प्लान चौपट कर दिए इस रिसेशन ने. बहुत नुकसान हो गया है. जो भी जमीन हमने माया ग्रुप के अंडर खरीदी थी, सबके दाम गिरने लग गए हैं. सब पैसे ब्लॉक हो गए हैं. समझ में नहीं आ रहा क्या करें. व्हाट डू वी डू सर? सर, सर, इफ आई मे मेक अ सजेशन, अब डूबने से बचने का एक इलाज है. सत्या ग्रुप के डायरेक्टर्स को बताना होगा कि हम माया ग्रुप खरीदना चाहते हैं. दाम बढ़ा चढ़ा के माया ग्रुप के शेयर्स खरीद लीजिए तो सत्या ग्रुप को भी वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से लोन मिल जाएगा. ट्राई करो. सत्या ग्रुप ऑफ कंपनीज के कोलैप्स की खबर निकलते ही स्टॉक मार्केट में जैसे भूचाल सा आ गया. कल जो शेयर 1500 रुपए का था, आज वो कोई 15 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है. द शॉक वेव्स आर बीइंग फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड. सत्या ग्रुप का हांगकांग में जॉइंट वेंचर टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो गया. जेंटलमैन, आई एम ट्राइंग टू गैदर माय करेज टू टॉक टू यू. आप लोगों से बात करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने बैलेंस शीट फज किए. हिंदुस्तान की टॉप कंपनी बनने के सपने में मैं अंधा हो गया था. आई एम सबमिटिंग माई रेजिग्नेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑल आर कंपनीज. Thank you.
भैया काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। पैसे और दौलत के चक्कर में मैं अंधा हो गया, अब हेल्थ से भी गया और वेल्थ से भी। मेरा नाम मिट्टी में मिल गया। अपने पापों का फल तो भोगना ही पड़ेगा भैया, रोइए मत। माया और मोहिनी कैसे? माया भाभी अनाथ एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के लिए अनाथालय खोलने में लगी है। मोहिनी म्यूजिक सीख रही है, उसने आपके लिए एक गाना भी रिकॉर्ड करा है। चलिए भैया मेरे साथ मिलके जाप और मेडिटेशन कीजिए, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आंखें बंद कीजिए और पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? क्या मैं ये नश्वर शरीर हूं जो रोग ग्रस्त है, कि क्या मैं परमपिता परमात्मा का दिव्य अंश हूं जो अखंड है, अनंत है, आनंदमय है और सर्वव्यापक है? Who am I? Who am I? Am I this perishable body which will certainly disease, decay and die? Or am I a divine eternal soul full of bliss, peace and cosmic love? मन के मैल पर ध्यान ना देते हुए अपने असली दिव्य स्वरूप का स्मरण कीजिए और फिर मेरे साथ ओम मंत्र का जाप भाव से कीजिए। मंत्र देहाशक्ति काटते हैं और परमपिता परमात्मा जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं। ओम एमेन आमीन एक ही है। सभी धर्मों ने ओम मंत्र के गुण गाए हैं। यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि मंत्रों में हीलिंग पावर्स होते हैं और मंत्र जाप से स्ट्रेस एलिमिनेशन भी होता है। जैसे साबुन से हम अपने शरीर को धोते हैं, वैसे ही मंत्र हमारे मन के मैल को धोते हैं। अगर मैं आपको गाली दूं तो आप मुझे उठकर मारेंगे, है ना? पार्ट ऑफ गाली। तो सोचिए कि एक छोटी सी गाली में इतना पार है तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी हमारे मन के विकार को नष्ट कर देने में। जब हम जाप और मेडिटेशन में बैठते हैं तब हमारे ब्रेन के अल्फा वेव्स थीटा वेव्स में बदल जाते हैं और हम पूर्णतः रिलैक्स हो जाते हैं। अगर हम रेगुलर जाप और ध्यान करेंगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकते। इससे हमें समता में रहने की शक्ति मिलती है। मेडिटेशन से हमारे ऑरा के कलर्स भी बदल जाते हैं। जिसका ऑरा वायलेट या वाइट होता है वह बहुत स्पिरिचुअल होता है और हर स्थिति में आनंद में रहता है। किरियन फोटोग्राफी द्वारा हम अपने ऑरा के कलर्स भी देख सकते हैं। Meditation is the best medication for any problem facing man.
नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ। प्याला शोर मचाऊं गली गली,